हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ एनीवन इज न्यू देन हाय, माय नेम इज आरती एंड डू वॉच माय वीडियो टिल द एंड। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे ना तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस साथ ही में जो बेल आइकन होगा ना उसे भी हिट कर देना ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशंस रिसीव हो जाए। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ साड़ियां जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। सो इन साड़ियों का जो भी लिंक कोड जो भी मुझे मिलेगा ऑनलाइन स्टोर्स के लिए, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, मीशो हुआ, तो वो सारे ही चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन करूंगी। सो बिना भूले एट लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां आपको सारे ही साड़ीज का लिंक वगैरह मिल जाएगा। मे बी कलर डिफरेंट हो आपको चाहिए तो, मतलब मैंने जो कलर्स लिए ना उसके अलावा भी वहां पर काफी ऑप्शन है कलर के, सो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज आपके साथ कौन से साड़ीज शेयर करूंगी। सो ये चार साड़ीज है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही सुंदर कलर है इन साड़ीज का। तो आइए एक एक हम चेक करते हैं। देखते हैं हमारी फर्स्ट साड़ी को जो कि है कुछ ब्लू कलर की। ये प्रॉपर ये स्काई ब्लू कलर नहीं है, मे बी आपको कैमरा में ये स्काई ब्लू दिख जाए, बट ये थोड़ा सा ना स्काई ब्लू से थोड़ा बहुत ज्यादा डार्क है। सो पहले तो इसकी बॉर्डर देखेंगे, इसकी बॉर्डर देख सकते हो आप। सो ये है इसकी नीचे की बॉर्डर, बहुत ही सुंदर लाइट कलर का जो गोल्डन कलर होता है ना उसमें इसका थ्रेड है। देखिए आपको बहुत ही इजीली इसकी डिजाइन वगैरह अवेलेबल हो जाएगी, मीन शो हो रही होगी। ये इसकी नीचे की बॉर्डर है एंड जो अपर साइड की बॉर्डर है ना वो कुछ इस टाइप की, थोड़ी बहुत कम ब्रॉड है, ये ज्यादा ब्रॉड नहीं है। एंड आई एम सो सॉरी, मेरा बेबी मेरे गोदी में है सो वो डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा बहुत, बट प्लीज एडजस्ट कर लेना। सो ये जो ऊपर की बॉर्डर है ना वो कुछ इस टाइप की है एंड जो नीचे की बॉर्डर है वो इस टाइप की ब्रॉड है, बट इसकी जो डिजाइन देख सकते हो बहुत ही सुंदर इस टाइप की। इसमें पूरी ही साड़ी में ना आपको सेम कलर के थ्रेड में ना ऐसे डिजाइन मिलेगी जो कि विजिबल, यस विजिबल हो रहा है थोड़ा बहुत। सो पूरी ही साड़ी में आपको इस टाइप की डिजाइन मिलेगी, देख सकते हो आप पूरी ही साड़ी में ये डिजाइन आपको अवेलेबल है। बॉर्डर भी ऊपर नीचे दोनों साइड पूरी साड़ी में है एंड एट लास्ट ये जो साड़ी है ना उसमें आपको कुछ इस टाइप के टैसल्स देखने को मिल जाएंगे। सो बहुत ही क्वालिटी वाइज बोले ना तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इस साड़ी की एंड डेफिनेटली मैं आपको ऑनलाइन अगर मुझे ये दिखेगी ना तो मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी। सो आइए बढ़ते हैं हमारी सेकंड साड़ी के तरफ। सो सेकंड साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, ए पिल्लू। सो जो सेकंड साड़ी है वो है ये एंड ये वाली साड़ी बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी। मैंने लास्ट टाइम जब मैंने दो तीन वीडियो पहले जब मेरी मेकअप की वीडियो आई थी आई थिंक सो उसमें मैंने इस साड़ी को वेयर किया था। बहुत ही ज्यादा मुझे डीएम्स वगैरह आए थे कि आपने ये साड़ी कहाँ से ली है। मैंने एक्चुअली ये साड़ी मैंने अपने जो लोकल मार्केट होता है ना मैंने वहीं से साड़ी ली थी, बट आपको इजीली ये वाली साड़ी ऑनलाइन मिल जाएगी एंड आप देख सकते हो कितनी रॉयल, मीन्स बहुत ही अच्छी लगती है ये साड़ी वेयर करने के बाद में। एकदम इसका जो कलर है ना वो भी एकदम डार्क ब्लू, एकदम रॉयल ब्लू कलर है इस साड़ी में। आप ऊपर की साइड बॉर्डर देख सकते हो, देखिए इस साड़ी की जो ऊपर की बॉर्डर है ना वो कुछ इस टाइप की है जो कि शॉर्ट है, बट जो नीचे की बॉर्डर है ना उसको आप इजीली देख सकते हो, बहुत ही बड़ी इसकी बॉर्डर है। सो मैं आपको इस साड़ी को पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। सो इसका जो ब्लाउज था ना वो रनिंग ब्लाउज था, सेम ही इस साड़ी के जैसा ही ब्लाउज था इसका। सो अलग कुछ आपको मीन्स अगर आपको अलग से स्टिच कराना हो ना तो आप वैसे भी करा सकते हो दोस्तों। देखिए इसकी जो ऊपर की बॉर्डर है वो कुछ इस टाइप की मिलेगी एंड ये फिलहाल आपको ना ऐसे देखने में ट्रांसपेरेंट लगेगी, बट इसको वेयर करने के बाद में ना बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं लगती है। एंड देखिए इसकी जो बॉर्डर है नीचे की साइड की वो कुछ इस टाइप की है। पूरी साड़ी में आपको ये जो बॉर्डर है ना वो पूरी साड़ी में आपको मिल जाएगी। सो एट लास्ट इसका जो पल्लू का सेक्शन है उसे भी हम देख लेते हैं। सो कुछ इस टाइप का आपको इसमें पल्लू मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसके पल्लू में, बट गोल्डन रेड कलर में इसमें जो देखिए ऐसा कुछ थ्रेड का वर्क है एंड टैसल्स वगैरह कुछ नहीं है, बट ये सारी वेयर करने के बाद में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, बहुत मीन्स बहुत ही रॉयल लुक आता है इस साड़ी का वेयर करने के बाद में। सो अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड साड़ी की तरफ। सो जो थर्ड साड़ी मेरे पास है वो बहुत ही अफोर्डेबल, इतनी ज्यादा अफोर्डेबल साड़ी और इतनी अच्छी क्वालिटी में मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी। सो देखिए कुछ इस टाइप की है, मैंने इसको एक वीडियो में भी पहले शेयर कर रखा है एंड उस टाइम पे आई डोंट नो आपने वो वीडियो देखी है या नहीं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ऊपर आई बटन पे भी आपको शो हो जाएगा, आप वहां जाके
मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने बहुत सारी अलग अलग साड़ीज भी शेयर की है आप लोगों के साथ में। सो इस साड़ी का कलर आप देख सकते हो, कुछ पिस्ता कलर टाइप का इसका कलर है एंड इसकी जो बॉर्डर है ना वो रॉयल ब्लू है एंड इसका जो पैटर्न है ना वो पैठनी साड़ी जो होती है ना उस टाइप का इसका पैटर्न है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये साड़ी, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सो इस साड़ी का जो ब्लाउज का फैब्रिक है आप उसको देख सकते हो, कुछ इस टाइप का है एंड इसमें जो इसमें ना मीन्स साड़ी से थोड़ा बहुत ज्यादा डार्क है। इसमें ना साथ में ब्लू कलर के थ्रेड्स भी है जो कि साड़ी में मीन्स साड़ी के साथ इजिली मैच हो जाएगा एंड इसकी जो ऊपर की साइड की बॉर्डर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसमें बॉर्डर वगैरह प्रोवाइड की है, मीन्स प्राइस के हिसाब से ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये साड़ी एंड पूरी साड़ी में ना आपको ऐसे छोटी छोटी बूटियों के वर्क्स भी मीन्स ये जो पिकॉक का डिजाइन दिया हुआ है ना थ्रेड से वो भी आपको इजिली मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है ये पूरी साड़ी एंड इसको ना पैठनी पैटर्न है ना इसको उसको पैठनी बोलते हैं। बहुत ज्यादा सुंदर लगती है ये वेयर करने के बाद में एंड ये जो कलर है ना वो बहुत सुंदर लगता है एक्चुअली। देखिए मैं आपको ऐसे लगा के दिखाती हूँ, देखिए बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा जब आप इसको ना प्रॉपर वेयर करोगे एंड ऑलमोस्ट ये सारी ही साड़ीज ना फेस्टिव एप्रोप्रिएट है। सो नो डाउट आप इन्हें कहीं भी शादियों में फंक्शन में फेस्टिव में कहीं भी आप इन्हें वेयर कर सकते हो। सो देखिए ये जो इसका ना ये इसका पल्लू का सेक्शन है, यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही मीन्स इतना कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ पल्लू में कि बहुत अच्छी वाली डिजाइन दी है, बट जस्ट इन्होंने जैसा ब्लाउज का फैब्रिक था ना वैसा ही सेम पल्लू का फैब्रिक दे दिया है। बट इतने प्राइस में आई थिंक सो हमें इतना ही मिलेगा ऐसे बोल सकते हैं। एंड देन एट लास्ट इसमें जो बूटी ये दिया हुआ है ना टैसल्स उनको आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी वाली अच्छी मीन्स एकदम ऐसे पतले पतले टैसल्स नहीं है, बहुत सुंदर टैसल्स है एंड काफी अच्छी लगती है ये साड़ी का जो लुक होता है ना उसको काफी अच्छा एनहेंस कर देती है। सो आई एम सो सॉरी ये मेरा बच्चा ना ये मेरी वीडियो में आ रहा है, बच्चा मेरा वीडियो में आ रहा है ना। बस इतना। आज की इस वीडियो की जो लास्ट साड़ी है वो है ये वाली एंड ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट है मेरी। ये देखिए एकदम डार्क वाला ग्रीन कलर होता है ना उस टाइप का ग्रीन कलर है इसका एंड इसकी जो बॉर्डर है ना वो पिंक कलर में दी हुई है एंड ये प्रॉपर पैठनी साड़ी जो होती है ना मीन्स एकदम प्रॉपर नहीं बोल सकते बट जो मिड रेंज की पैठनी साड़ी होती है ना ये उस टाइप की है एंड इस साड़ी में और इस साड़ी में इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये साड़ी 500 में आपको इजीली मिल जाएगी एंड ये तो मैंने लोकल मार्केट से ली थी तो ये समथिंग मुझे 1500 की पड़ी थी बट इजीली 500 रुपए में भी मिल जाएगी। सच में 500 रुपए में भी ये साड़ी मिल जाएगी क्योंकि ना हाँ इसका जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा बहुत ज्यादा हैवी है एंड मीन्स कड़क है, ये वाला बहुत सॉफ्ट है एंड चलेगा ये फैब्रिक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये तो ऑब्वियसली है ही बट मुझे पर्सनली ये ज्यादा अच्छा लगा। तो आपको मैं ये साड़ी ओपन करके दिखाती हूँ। सो देखिए इसकी जो ऊपर की बॉर्डर है ना वो कुछ आपको इस टाइप की पिंक कलर में दिख रही होगी एंड नीचे की जो बॉर्डर है ना उसको भी मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। ऑलमोस्ट सेम ही है बट ये वाली बॉर्डर ना जरा ब्रॉड है, सो देख सकते हो आप इसकी जो विड्थ है ना वो जरा ज्यादा है उससे। एंड देन इस साड़ी में आपको पूरी ही साड़ी में ना ऐसे फ्लावर की थ्रेडिंग मिलेगी गोल्डन कलर में एंड इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक था ना वो पिंक कलर का था बट मैंने उसको अभी इसमें से हटवा दिया है, मैंने उसको सिलवा लिया था। सो देखिए पूरी ही साड़ी आपको कुछ इस टाइप की मिलेगी, बहुत ही सुंदर लगती है ये वाली साड़ी भी वेयर करने के बाद में एंड मैंने अगर इसे वेयर मतलब मेरे पास जो अगर फोटो होगा ना इस साड़ी को वेयर किया हुआ वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगी। बहुत ही सुंदर है एंड जहां से आपका पल्लू का सेक्शन स्टार्ट होगा ना वहां पर आप देख सकते हो ये फ्लावर्स की क्वांटिटी थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड देन एट लास्ट आपका पल्लू जो कि आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। आई थिंक सो इस टाइप के पल्लू में अगर आपको ना मीशो पे वगैरह या फिर ऑनलाइन अगर आपको साड़ी चाहिए ना तो वो आपको 1000 की रेंज में इजीली मिल जाएगी, 1000 से ज्यादा नहीं 500 to 2000 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं इस सेम इसी टाइप की साड़ी का कोड में आपको प्रोवाइड कर पाऊ। सो देखिए इसकी शाइन वगैरह आप देख सकते हो, इसमें गोल्डन का जो इसमें गोल्डन थ्रेड का बेस है गोल्डन एंड पिंक कलर का एंड देन ऊपर उसके पिकॉक टाइप की कुछ डिजाइन दी हुई है एंड देन एट लास्ट इस साड़ी में भी टैसल्स आपको मिल जाएंगे जो कि अगेन साड़ी का जो लुक है उसको बहुत ज्यादा एनहेंस करते हैं। सो आज के वीडियो की ये थी कुछ चार साड़ियां
इसमें से आपको कौन सी अच्छी लगी, ये ग्रीन वाली, ये पिस्ता कलर वाली, या फिर ये जो रॉयल ब्लू कलर वाली थी वो, या फिर ये ब्लू कलर वाली? आपको इसमें से जो भी साड़ी अच्छी लगी हो ना वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 आपका रिस्पॉन्स मुझे जरूर बताना। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ मैं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय कर, बाय 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 बाय, ओके बाय बाय।